राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अपराधियों के खिलाफ तड़ी पार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें छावनी और तालुका पुलिस स्टेशन सीमा के भीतर विभिन्न अपराधों में शामिल कई लोगों के खिलाफ तड़ी पार की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती और उप विभागीय पुलिस अधिकारी सूरज गुंजल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अपराधियों के खिलाफ तड़ी पार कार्रवाई की जा रही है। इनमें कई अपराधियों को नोटिस जारी किया गया है और कुछ को जमानत दे दी गई है। कैंप थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस व्यक्ति को अगले एक साल तक जिला से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। इसमें कुख्यात गैंगस्टर शुभम उर्फ सोनू फकीरा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जितेंद्र अशोक भोयर, पवन वाल्मीक डिल्लर, सोहेल अहमद तोफैल अहमद, रेहान उर्फ पन्ना दादा अहमद, सिराज अहमद, चेतन उर्फ हल्या मशीन्द्र सूर्यवंशी, दीपक नरेश डिल्लर, गणेश राजेंद्र वाड़गे, भूषण एकनाथ सोनौने, मोहम्मद कलीम मोहम्मद इस्लाम उर्फ कलीम, रोहन बाड़ू गांगुर्डे और ओम संयोग निकम पर धारा 144(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि गणेश राजेंद्र वाड़गे, रोहन बाड़ू गंगोड़े, सागर हरि परदेशी, सोहेल अहमद तोफैल अहमद, पवन वाल्मीक ढिल्लर, चेतन हल्या मशीन्द्र सूर्यवंशी और प्रशांत अशोक यादव पर धारा 151(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों को कड़ा संदेश गया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ये सख्त कदम उठाए हैं। सध्या 4 तारखेला येत्या 4 तारखेला मतमोजणीचा दिवस असल्याने व त्या दृष्टीने छावणी पोलिसांच्या वतीने ते संबंधित विघ्न संतोषी लोक आहेत किंवा जे त्या दिवशी किंवा इतर दिवशी मालेगाव शहरात प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतात, वातावरण गंभीर करू शकतात किंवा दोन समाजात तेढ निर्माण करू शकतात, अशा मॅक्झिमम लोकांवर आपण प्रतिबंधक कारवाई केली आहे। 144(2) प्रस्ताव पाठवले आहेत माननीय एच एम साहेबांकडे, तसेच 151(3) माननीय कोर्टात 14 दिवस मॅस्टी कस्टीसाठी प्रस्ताव पाठवले होते, त्याप्रमाणे 7-8 लोक आतापर्यंत रवाना झालेत, इतरांना माननीय कोर्टाने तंबी दिली आहे किंवा बॉन्ड लिहून घेतलेत। त्यापैकी सर्वात मेजर कारवाई आपली आपण कालच केली। यातील मुख्य आरोपी शुभम उर्फ सोनू फकीरा सपकाळ व 23 वर्षे राहणार स्वाध्याय केंद्रासमोर इंद्रकूट नगर कलेक्टर पट्टा मालेगाव, हा म्हणजे नामांकित गुंड म्हणता येईल याला, कारण याच्यावर आतापर्यंत मालेगाव छावणी पुष्ण 5 गुन्हे दाखल आहेत। सर्व गुन्हे मालेगाव छावणी प्लस मालेगाव तालुका असे मिळून 5 गुन्हे दाखल आहेत आणि ते गुन्हे सर्व सिरियस आहेत। 392 दरोडा, हाफ मर्डर या टाईपचे सर्व गुन्हे आहेत। तर त्या अनुषंगाने आम्ही 1 महिनाभरापूर्वीच त्याची दखल घेऊन, आमच्या वरिष्ठांनी दखल घेऊन, सदर आरोपी तडीपार कसा होईल या दृष्टीने चर्चा करून त्याचा प्रस्ताव माननीय SP साहेब देशमाने साहेब, तसेच माननीय अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्री अनिकेत भारती साहेब, SDPO श्री गुंजाळ साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही सदर प्रस्ताव तयार केला व माननीय SDM श्री नितीन जतगीर साहेब यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला। त्याप्रमाणे सर्व पुरावे वगैरे जे आवश्यक पेपर आहेत ते आम्ही त्यांना दिलेत, प्रस्ताव पाठवला। त्याप्रमाणे माननीय साहेबांनी SDM साहेबांनी काल त्याच नाशिक जिल्ह्यात 1 वर्षासाठी तडी पार करण्यात आले, तर त्याला आता आपण कालच आपण त्याला राहता तालुका राहता जिल्हा अहमदनगर येथे जी आवश्यक प्रोसिजर पूर्ण करून त्याला संबंधित राहता प्रोसिजर ताब्यात दिले, त्याप्रमाणे त्याचं याप्रमाणे आपण तडी पार केले। तसंच इतर जे 3-4 लोक जे हिटलिस्टवर आहेत त्यांचा सुद्धा प्रस्ताव चालू आहेत, तर त्यांची सुद्धा कारवाई आपल्याला लवकर समजेल। जय हिंद, धन्यवाद।